सिलसिला में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं क्राइम से खबरें। शादी से एक दिन पहले लड़की के सिर को बेरहमी से कुचला। यूपी के कानपुर शहर में बुधवार को दिल को झंझोक देने वाला एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ शादी के ठीक एक दिन पहले युवती की निर्मम हत्या कर दी गयी। हत्या की इस घटना से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल चुकी है। यह घटना बिटरू थाना क्षेत्र की है। नारामो इलाके में सुबह युवती की सिर से कुचली लाश मिलने से हड़कंप मच गया। युवती की शिनाख्त नारामो निवासी राकेश कुमार गौतम 20 वर्षीय बेटी अन्नपूर्णा उर्फ छोटी के रूप में हुई है। पिता राकेश ने बताया कि बेटी की शादी बिटरू थाना क्षेत्र के करसोली गांव के निवासी पुनीत से तय थी। बारात गुरुवार को आनी थी, जिसकी तैयारी घर में चल रही थी। सुबह दलहन अनुसंधान फास के पास जीडी रोड पर युवती का शव मिला। गार्ड की सूचना पर बिटूर और कल्याणपुर पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन में जुट गई है। फॉरेंसिक टीम ने भी मौके से साक्ष्य इकट्ठा किए हैं। गुरुवार को जिस घर में से डोली उठी थी उसी घर से अर्थी उठकर मातम में पूरा परिवार छाया हुआ है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। शादी का झांसा देकर नर्स के साथ दुष्कर्म, आरोपी फरार। गुरुग्राम निजी अस्पताल में कार्यरत नर्स ने शादी का झांसा देने वाले एक युवक पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। पीड़िता की शिकायत के बाद पूर्व महिला थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। महिला थाना प्रभारी के मुताबिक आरोपी युवक फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। पुलिस के मुताबिक मूल रूप से पश्चिमी बंगाल की रहने वाली है। 23 वर्षीय पीड़िता एक निजी अस्पताल के बतौर नर्स में कार्यरत थी। वह सिलोखोल गांव में किराए पर रहती थी। उस बीते उसकी दोस्ती यूपी की झांसी शुभम राय के साथ हुई थी। 10 माह तक उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया था। इसी बीच शादी का झांसा देते रहा और जब शादी करने की बात आई तो उसने शादी करने से साफ इनकार कर दिया। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। महिला को बंधक बनाकर मौसेरे भाई ने 6 दिन तक किया दुष्कर्म। यह घटना गाजियाबाद की दर्शाई जा रही है, जहां सोमवार को महिला को बंधक बनाकर उसी के मौसेरे भाई ने 6 दिन तक उसका बलात्कार किया है। सोमवार को रात महिला किसी तरह उसके चंगुल से भाग निकली और छुटकारा पाकर घर पहुंची तो मां को पूरी आपबीती बताई। पीड़िता की मां ने कविनगर मौसेरे भाई के खिलाफ मामला दर्ज किया है। दुष्कर्म पीड़िता 2 बच्चों की मां है और पति से मनमुटाव होने के कारण वह अपनी मां के घर में लौट गई थी। पीड़िता के मुताबिक मुजफ्फरनगर के एक गांव निवासी मौसेरे भाई का आना जाना अक्सर रहता था। 9 अप्रैल की शाम मौसेरा भाई उसके घर आया और उसकी मां और बहन के साथ मारपीट करने लगा। बीच बचाव करने आई पीड़िता को भी पीटा और जबरन अपने साथ ले गया और सुनसान जगह पर ले जाकर बंधक बनाकर 6 दिनों तक उसका बलात्कार करता रहा। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए एमएनएस हिंदी ऐप आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तब तक के लिए धन्यवाद।